अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ इन यूएसए। आज ही मैं बना रही हूँ बड़ा ही यमी किस्म का, चीज़ी किस्म का लज़ानिया, और बहुत ही क्विक और सिंपल रेसिपी है। चले जी शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही बनने लगा है लज़ानिया चिकन के लिए, चिकन का। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 पाउंड मैंने चिकन का थाई का कीमा लिया है, और चीज़ चाहिए इसके लिए, श्रेडेड चीज़ चाहिए, और ये पास्ता सॉस, ये लज़ानिया सॉस एक ही होता है। और जिसके पास ये सॉस नहीं है तो वो टमेटोज को ग्राइंड करके उसमें बेजल, ऑरिगेनो, गार्लिक पाउडर डाल देंगे तो वो ऐसा ही सॉस बन जाएगा। और क्या चाहिए इसके लिए, 1/2 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। और ये जो लिया है ये ओवन रेडी लज़ानिया है, ये ओवन में बनता है तो इसको वो मतलब बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बिल्कुल ये इस तरह का बनता है, बहुत ही मज़े का, चीज़ी सा। चले जी पहले मैं कीमा भून लूँ। चले जी पैन में मैं ये कीमा डाल दूँ जो मैंने धो के रखा हुआ था। अच्छा, इसको ऑयल डाल के नहीं पकाना, इसको ऐसे ही भूनना जैसे समोसों का कीमा भूनते हैं ना, बगैर ऑयल के। अब इसमें ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्लिक और जिंजर पाउडर इसलिए डाला ताकि कोई भी स्मेल ना रहे इसमें। और ये चिकन का कीमा है तो बहुत जल्दी भून जाएगा। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लें, नमक से याद आया नमक को डाल दूँ। अभी थोड़ा डाला मैं टेस्ट करके, तो फिर इसके बाद डाल सकते हैं। और इसमें ये देखिए कीमे की इस तरह से सूरत हाल होगी, थोड़ा उसने पानी छोड़ दिया और मैं इसको तोड़ रही हूँ, ज़रा मोटा मोटा ना रह जाए कहीं पे। बस इसका पानी ड्राई करना है तो फिर ये कीमा डन हो जाएगा। चिकन का तो ये तो वैसे ही बहुत जल्दी ये पक जाता है, तो बस इसका पानी ड्राई कर रही हूँ मैं तेज़ आग करके। और ये लज़ानिया इतनी जल्दी बन जाता ना, बहुत ही क्विक रेसिपी है ये। ये भी फॉलो करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बगैर सब्सक्राइब किए देखते रहते हैं सब, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। चले जी कीमा हो गया डन हार्डली 5 मिनट में, देखिए पानी भी सूख गया, तो ये कीमा लज़ानिया का डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाकी का शुरू करते हैं बनाना लज़ानिया। चलें जी लज़ानिया बनाने की बारी आ गई, अब मैं तहें लगाती हूँ। मैंने ये शीशे की डिश ली है, आप फॉइल की डिश में भी बना सकते हैं। तो पहले हम डालेंगे सॉस, और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया 350 पे। इसको ज़रा फैला देंगे सॉस को, अरे ज़रा जूम इन कर दूँ। अब हम डालेंगे कीमा, ये जो कीमा बना के रखा था जैसे बिरयानी की लेयर लगाते हैं ना, ऐसे फैला के कीमा डाल देना। चलें बस इतना। अब हम लगाएंगे चीज़ की लेयर। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ी सी ना मैं कुटी लाल मिर्च छिड़क दूँ, ज़रा स्पाइसी सा हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी जी चीज़, मोज़रेला चीज़ ले लें। थोड़ी दिल खोल कर डालनी है आपने, क्योंकि इसी से ना स्वाद आता है लज़ानिया का। आ गई है ये जो लज़ानिया की पत्तियाँ, ये रखते हैं। चलें जी, हमने ओवन में बनने के लिए लज़ानिया लिया, ये पतली इसकी पट्टियाँ होती है तो इसको बॉईल करने की ना
ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ओवन में ही हो जाता है। ये इस तरह से हम रखेंगे और अब इसके ऊपर सॉस डालेंगे ताकि पट्टियाँ थोड़ी नरम हो जाएं। इसको फैला देंगे ज़रा। चल अब इसके ऊपर जाएगा जी कीमा। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च ऐसे ही हम स्प्रिंकल करेंगे, स्पाइसी सा मज़ेदार सा बनेगा इंशाल्लाह। और अब जाएगी जी चीज़। ये थोड़ी मेरे पास मिक्स वाली चीज़ है लेकिन खैर है, इक्वली हम डाल देंगे ना, मज़े का बनता है ना, बच्चे और बड़े दोनों ही शौक से खाते हैं। चले जी अब फिर आ गई बारी पट्टियों की। अब आ गई बारी सॉस की। अब आ गई बारी कीमे की। अब ये सारा ही कीमा डाल दें, क्योंकि थोड़ा सा रह गया। चल जी अब हम थोड़ी सी मिर्चें डाल देंगे, फूंक देंगे इसमें। अब ये चीज़ डालेंगे, ये भर भर के डालनी थोड़ी, क्योंकि इससे ही मज़े का बनता है। और भर के डालेंगे ज़रा, कवर हो जाए पूरा। चले जी ऊपर अब एंड पे थोड़ा थोड़ा ना सॉस कहीं गिराएंगे हम, क्योंकि कलर आ जाए हल्का सा, जैसे पिज़्ज़ा का होता है ना ऐसे। थोड़ी कुटी लाल मिर्च हम डालेंगे। कलर बड़ा अच्छा आता है इससे। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसको रखेंगे इंशाल्लाह ओवन में। अब इसको फॉइल से लपेट देंगे ताकि इसकी स्टीम से ये पक जाए, और इसको हम इसकी तरह ओवन में रख देंगे। चले जी ओवन में चला गया लज़ानिया। अब इसको 45 मिनट्स के लिए हम बेक करेंगे इंशाल्लाह। चले जी तकरीबन 30 मिनट में ना मेरी लज़ानिया हो गया रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ क्या आला रिजल्ट आया है। मैं पानी ना आ जाए तो मैं कहती हूँ पैसे वापस। बहुत बहुत मज़े की और कितनी क्विक रेसिपी है ये, और ये बड़ी ही मज़े की बनती है ओवन वाली। ये आप बनाएं बच्चों को खिलाएं। अच्छा ये मैं आपको काट के नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं ये अपनी फ्रेंड के घर लेके जा रही हूँ, उनके घर दावत है, तो वरना मैं आपको काट के दिखाती। बहुत ही चीज़ी मज़े की और इसकी चीज़ मेल्ट हुई हुई बड़ी मज़े की लगती है। ये देखिए मैं साइड से दिखा रही हूँ आपको कैसे चीज़ मेल्ट हुई हुई है। बड़ी ही मज़े की यमी किस्म का ये लज़ानिया बनता है और बहुत ही क्विक रेसिपी है एंड वेरी वेरी सिंपल एंड इजी। चले जी ये रेसिपी को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दिया करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकअल्लाह खैर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।